सबसे पहले तो आप लोग चेक कर लो दोनों में पिंगिंग हो रही है नहीं। कैसे चेक करते हैं? यहां पर के कमांड प्रॉम्प्ट से यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना और सर्वर का आईपी एड्रेस मार के देख लेना। आईपी एड्रेस अपना खुद का क्या है, आईपी कॉन्फिग मारे तो उसके सिस्टम का खुद का आईपी एड्रेस मालूम हो जाता। मैं सर्वर का आईपी एड्रेस पिंग 192.168.1.1 अगर रिप्लाई आ रहा तो यहां से वहां पर नेटवर्किंग हो रही है। वैसे यहां पर भी नेटवर्किंग हो रही है, यानी चेक कर लो एक बार। हो गया चेंज, वहां का आईपी एड्रेस चेक कर लेना आप, क्लाइंट का चेंज हो जाता। आप न्यूएचसीपी सर्वर कर लिए तो क्लाइंट का आईपी एड्रेस चेंज होता। अब ये हो गया, नेटवर्किंग सही तरीके से काम कर रही। तो अब जो सो आप लोगों को क्या करना है, डीएचसीपी सर्विस पहले तो इंस्टॉल कर लेना है, डीएनएस सर्विस इंस्टॉल कर लेना है पहले तो। डोमेन नेम सर्वर इंस्टॉलेशन करने के लिए ऑल प्रोग्राम्स कंट्रोल पैनल एड और रिमूव प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स कंट्रोल पैनल एड और रिमूव प्रोग्राम्स। इसके अंदर एड रिमूव विंडोज कंपोनेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर नेटवर्क सर्विसेज के अंदर मौजूद रहता आपका डोमेन नेम सर्विस, इसको हाईलाइट करो, डिटेल्स पे क्लिक करो, यहां पर डोमेन नेम सर्विस इसको टिक कर लो। ओके, नेक्स्ट करने पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गया आपका डोमेन नेम सर्विस। इंस्टॉलेशन खत्म होने पर फिनिश करो और चेक कर लो इंस्टॉलेशन हुआ या नहीं। कैसे चेक करेंगे? स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यहां पर अगर डीएनएस बोलकर ऑप्शन दिखता तो आपका डोमेन नेम सर्विस सही तरीके से इंस्टॉल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना क्या है आप लोगों को, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसके बाद? सबसे पहले तो डोमेन नेम सर्विस इंस्टॉल करना था, डीएनएस इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, अब हम लोग डोमेन नेम सर्विस में फॉरवर्ड लुकअप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फॉरवर्ड लुकअप के अंदर दो स्टेप्स करना है इसके अंदर हमको। सबसे तीन स्टेप करना है इनफैक्ट। पहले तो एक प्राइमरी जोन बनाना है, यानी कि आपके सिस्टम का जो डीएनएस नेम है उसको जोन नेम बोल रहा है। ठीक है, वो जोन बनाना है और उसका एक नाम देना है। जैसे कि manu.com ऑलरेडी एक बने हुआ जोन रहता, हम लोग उसको एक और नाम दे रहे। इससे आपको ये भी समझ में आ जाता कि आप अपने एक ही सिस्टम में कई तरीके के डीएनएस नेम्स भी दे सकते हो, एक से बढ़ के डोमेन नेम्स भी रह सकते हो एक ही सिस्टम के। ठीक है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन का एक नाम बना के स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बनाएंगे हम लोग। manu.com ऑलरेडी बने हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पर zoom.com बोल के हमारे सिस्टम का नाम लगाएंगे। तो हमारे डोमेन कंट्रोलर का दूसरा नाम क्या रहेगा? zoom.com। फाइनली हम लोग का एक्सरसाइज के खत्म पे या तो डोमेन कंट्रोल की मशीन से या स्टैंड की मशीन से पिंग www.zoom.com अगर ये मारा तो फिर रिप्लाई विद चार पैकेट आना, तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली डीएनएस का कॉन्फिगर हो गया। सबसे पहले तो प्राइमरी स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन बनाएंगे, उसके स्टेप्स यहां पर है, एक के बाद एक देखना। उसके बाद आपको दो तरीके के रिकॉर्ड बनाना रहेगा, एक तो होस्ट रिकॉर्ड बनेंगे आप, एक होस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे। होस्ट रिकॉर्ड क्यों बना रहे? होस्ट रिकॉर्ड फिजिकल मशीन का आईपी एड्रेस को मैप कर रहा आपके नाम से, जो भी नाम रहेगा आपका कंप्लीट नाम, जैसे कि system1.zoom.com बोलकर अगर आप एक नाम लगाए, sys1 समझो, system1 भी नहीं, sys1.zoom.com, अगर आपका टोटल नाम ये है तो ये नाम कोई ना कोई फिजिकली मौजूद कोई ना कोई नेटवर्क में किसी ना किसी सिस्टम से जुड़ेगा है ये नाम। तो कौन से सिस्टम से जुड़ रहा है, वो सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन दर्ज रहती होस्ट रिकॉर्ड्स में, उसकी वजह से हम लोग होस्ट रिकॉर्ड्स बनाएंगे। अब फिर उसके बाद बनाएंगे कौन सा रिकॉर्ड? एलियाज रिकॉर्ड। एलियाज रिकॉर्ड में हम लोग सबसे पहला नाम डीएनएस को रिजॉल्व करते वक्त सिस्टम का नाम जो रहेगा, सिस्टम के नाम के बदले में अगर आप कुछ एक छोटा एलियाज लगाना चाह रहे, जैसे कि www, तो उसके लिए आपको एलियाज रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो एलियाज रिकॉर्ड में आपके एलियाज से जुड़ी हुई जानकारी मौजूद रहेगी, यानी कि जब भी आप www मारेंगे, www का मतलब क्या है,
सिस्वन बोलकर है, यानी कि आपके सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का नाम है। ये चीज की जानकारी कौन देगा? डीएनएस सर्वर के तरफ से कौन देगा? एलियास रिकॉर्ड देगा। तो डीएनएस सर्वर एलियास रिकॉर्ड को देखकर सिस्टम का नाम और एलियास का नाम दोनों में किस एलियास का नाम सिस्टम नाम से जुड़ा है ये जानकारी देगा आपको, ठीक है। तो हम लोग टोटली डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करने वाले हैं, पहले तो एक प्राइमरी जोन बनाने वाले हैं होस्ट रिकॉर्ड, दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप एलियास रिकॉर्ड बनाने वाले, फाइनली वेरिफिकेशन हम लोग खुद वो डोमेन कंट्रोलर के सिस्टम से देखेंगे पिंग करके हो रहा है नहीं, और एक्सपी के कंप्यूटर से भी देखेंगे हो रहा है नहीं सही तरीके से। सबसे पहले प्राइमरी जोन बनाने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट स्टार्ट प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स डीएनएस, स्टार्ट प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यहां पर डीएनएस को खोलना है हम लोग को, कहां है डीएनएस, डीएनएस ठीक है, दिखा डीएनएस। अब यहां पर देखो, आप ऑलरेडी हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी आपको दिख रहा है कि manu.com बोल के ऑलरेडी एक बनेगा है डीएनएस में इंफॉर्मेशन दर्ज है, इससे समझ में आ रहा आपको कि बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी जब आप इंस्टॉल कर रहे डीएनएस की इंफॉर्मेशन दर्ज होती रहती है, इस वजह से हम लोग पिंग www.manu.com बोल के मार रहे थे भी हमको रिप्लाई आ रहा क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट मानो डीएनएस इंफॉर्मेशन भी दर्ज कर लेकर रख ले रहा। जब एक आपको डीएनएस से जुड़ी हुई जानकारी देखने के लिए कंसोल दिख रहा डीएनएस मैनेजमेंट बोलते हैं कंसोल को, तो डीएनएस मैनेजमेंट में आपको समझ में आ रहा कि अच्छा manu.com बोलकर एक डीएनएस की जानकारी ऑलरेडी दर्ज है, जिस वजह से हम लोगों ने वहां पर पिंगिंग पॉसिबल हो रही थी, पीछे हम लोग जो पिंगिंग कर रहे थे पॉसिबल हो रही थी, ठीक है। हम लोग एक नया नाम देंगे, हमारे डोमेन नेम को एक अलग नाम दे देंगे, जो प्राइमरी जोन बना रहे आप उसका एक नया नाम दे देंगे, manu.com की जगह पे हम लोग एक zoom.com बोल के रखेंगे zoom.com। तो अब इसके लिए स्टेप्स क्या है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग एक प्राइमरी जोन बना रहे, स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन यहां तक आ गए। इसके बाद यहां पर क्या बोला हमें, डीएनएस के डायलॉग बॉक्स में क्लिक प्लस मार्क जहां पर है, जहां पर भी डोमेन नेम सर्वर के बाजू डोमेन नेम सर्वर इसके अंदर जो भी सिस्टम है हमारे पास तो एक ही सिस्टम है ठीक है, उसके बाजू का प्लस मार्क को हाईलाइट करो बोलकर। तो अगर आपको ऐसा है आपने खोले बाद सिस्टम अगर ऐसा दिख रहा तो डीएनएस के नीचे जितने भी सिस्टम है लेफ्ट पेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं PANE है, सबसे लेफ्ट साइड पे रहने की वजह से इसका नाम लेफ्ट पेन है। लेफ्ट पेन के अंदर जो डीएनएस के अंदर सिस्टम्स मौजूद है उसके प्लस मार्क पे क्लिक करो बराबर, क्लिक करे तो कुछ ऑप्शन दिख रहे आपको। अब ये ऑप्शन में से क्या करना है, फिर ये ऑप्शन में से आपको राइट क्लिक करना है फॉरवर्ड लुकअप जोन पे और वहां पर सेलेक्ट न्यू जोन क्लिक करना है। कहां दिख रहा फॉरवर्ड लुकअप जोन दिख रहा है यहां पर, तो इसको राइट क्लिक मौसा करेंगे और न्यू जोन पे क्लिक करेंगे, न्यू जोन विजार्ड बोलकर खुलता है, एक विजार्ड का नाम क्या है, न्यू जोन विजार्ड बोलकर। उसके बाद क्या करना है, न्यू जोन विजार्ड खुले बाद नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करे बाद प्राइमरी जोन है या क्या करना चाह रहे आप लोग उसको बताना चाह रहे, ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, सबसे पहला हम लोग बना रहे डीएनएस, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन द सर्वर, तो प्राइमरी जोन बनाना है। अगर कोई दूसरे सर्वर पे है और आपको जो सो हेल्प करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए तो जब सेकेंडरी जोन बनाना है, अपडेट किस अपडेट के बारे में बात कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको इनसे कॉन्फिगर करते खुद भी एक और ऑप्शन आता डायनामिक अपडेट करना बोलकर, वो डायनामिक अपडेट का ऑप्शन क्या रहता, सिस्टम का आईपी एड्रेस और उससे जुड़े हुए डोमेन, उसके जो है डोमेन नेम, ये सब की जानकारी डीएनएस सर्वर में है, ठीक है ना। आप समझो आईपी एड्रेस चेंज हुआ सिस्टम का, समझ में आ रहा, तो डायनेमिकली यहाँ पर भी जानकारी आईपी एड्रेस चेंज हो गया बोलकर चेंज हो जैसा रहना, या एटलीस्ट पता चलना कि आईपी एड्रेस को फलाना फलाना का चेंज हो गया, समझ में आ रहा ना। तो उस तरीके से अगर आप चाह रहे काम आपका होना तो आप डायनेमिक अपडेट्स को ऑन रखेंगे यहाँ पर कभी भी, ठीक है। और प्राइमरी जोन बनेंगे, प्राइमरी जोन को सेलेक्ट कर लेना और रियल टाइम में तकरीबन इसको अनचेक कर देना, स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि ये जो जोन आप बना रहे इसकी जानकारी एक्टिव डायरेक्टरी में भी मौजूद रखो बोलकर, ठीक है ना। ये यूजुअली क्यों रहता, ये ऑप्शन को पिक करते जब भी आप डोमेन कंट्रोलर को
सॉरी जब भी आप डीएनएस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर के सिस्टम में इंस्टॉल करें, जब आप टिक कर देते उसको, हम लोग तो वही कर रहे काम, बट रियल टाइम में आप डोमेन नेम सर्वर जो बना रहे डोमेन कंट्रोलर में नहीं बनाते, ठीक है ना, एक अलग सिस्टम में बनाते, जिस वजह से हमेशा आदत क्या रखो, उसको अनचेक करने की आदत रखो, ठीक है। इसको चेक कब करेंगे, जब आप डीएनएस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर के अंदर ही बना रहे, हम लोग तो डोमेन कंट्रोलर में ही बना रहे, यहाँ पर समझ आ रहा ना, यहाँ पर हम लोग डोमेन कंट्रोलर में बना रहे, बट रियल टाइम में क्योंकि आप लोग को डोमेन कंट्रोलर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से बनाना पड़ता, इसलिए हम लोग भी रियल टाइम का सिनेरियो फॉलो करेंगे, ठीक है। हम जो अज्यूम कर रहे कि हमारा सिस्टम नहीं है बोलकर हम हर चीज डोमेन कंट्रोलर में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद क्या बोल रहा है, जोन नेम बताओ, यानी कि एक ऑल्टरनेट नेम जिसको आप आईपी एड्रेस के बदल में इस्तेमाल करना चाह रहे वो यहाँ पर आप बताना है, वो नेम को आपको यहाँ पर बताना है। यूजुअली नेम .com.org बोलते एक्सटेंशन के साथ एंड होता, ठीक है, तो आप लोग भी उसी तरीके से एंड करेंगे, zoom.com बोलकर लगाना, ठीक है, क्या लगा रहे, zoom.com। नेक्स्ट यहां पर देखो आप लोग, यहां तक वही बताया उन्हें, zoom.com बोलकर जब आप नाम डाल रहे, नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या हो रहा, जोन फाइल के बारे में आ रहा। अगर ऑलरेडी डीएनएस क्या करता है, कुछ फाइलों को इस्तेमाल कर रहा, ठीक है ना, उसी में उन्हें इन्फॉर्मेशन दर्ज कर रहा, ऑलरेडी कुछ फाइल अगर मौजूद है तो सेकेंड ऑप्शन, और फाइल का नाम बता दीजिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर manu.com को फिर से अगर करता था तो manu.com से जुड़े हुए फाइल्स बने हुए हैं तो उसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ता था, पर जून को हम लोग एक नया बना रहे तो नए फाइलों की जरूरत पड़ती, डोमेन नेम सर्वर को फाइल्स की जरूरत पड़ती, जिसको टटोल कर उन्हें देखेगा कि डोमेन नेम जो आ रहा है उससे जुड़े हुई जानकारी क्या है, तो पूरे के पूरे नया बना बोलते हैं, उन्हें बाई डिफॉल्ट .dns बोलकर एक्सटेंशन ले लेता, आप लोग उसको चेंज नहीं करना, ऐसा सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं बनते आपके, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेगा रहना, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को क्लिक करो आप, अलाउ बोथ नॉन सिक्योर और सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, यानी कि आपके रिसोर्स रिकॉर्ड डायनेमिकली अपडेट होंगे, यानी कि अगर किसी का आईपी एड्रेस चेंज हुआ तो यहाँ पर भी डायनेमिकली चेंजेस इफेक्ट होंगे, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ऑन है तो नेक्स्ट करो। फाइनली जो सो आपको ने थोड़ी जानकारी दे रहे आपका जो ये नेम जो बना रहे सो, जोन का नाम zoom.com है, ये एक प्राइमरी जोन है, आपका तरीका देखने का फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड लुकअप तरीका है, फाइनली आपका फाइल जो रहेंगी जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दर्ज होंगी, फाइल का नाम, फिनिश, फिनिश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं एक और फाइल बन गई यहाँ पे zoom.com, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइमरी बोलकर यहाँ पर आ जा रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन है ये, ठीक है। खोल के देखो इसके अंदर दो फाइल्स बन गए ऑलरेडी, दिख रहे दो फाइल्स बन गए, होस्ट रिकॉर्ड और एलियास रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप manu.com से कंपेयर करो इसको, इसके अंदर कितने के रिकॉर्ड है जिसमें एक रिकॉर्ड हो, एक से बढ़ के रिकॉर्ड होस्ट भी है, दिख रहा, एक एलियास रिकॉर्ड है, ये जब डोमेन के अंदर मौजूद होने की वजह से ना ये होस्ट का आईपी एड्रेस भी सिस्टम 10, आप लोग देखे ना सिस्टम 10 पिंग बोल के मैं यहाँ पे मारे तो इन्फॉर्मेशन जारी थी, रिप्लाई जा रहा था, ये एक रिकॉर्ड की वजह से जा रहा था, समझ में आ रहा ना। और सिस्टम 1 बोल में पिंग सिस्टम 1 बोल के आईपी एड्रेस के बदल में पिंग सिस्टम 1 ये तो भी रिप्लाई आ रहा था, ये दूसरे रिकॉर्ड की वजह से आ रहा था, होस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होस्ट रिकॉर्ड। तो ये होस्ट रिकॉर्ड और एलियास रिकॉर्ड ये मौजूद है जूम में, है मौजूद नहीं है, हमारे को बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, वहां पर मौजूद क्यों है, इंस्टॉलेशन के अंदर उन्हें खुद बना लिया, DNS कॉन्फ़िगरेशन उन्हें खुद कर लिया, इस वजह से वो ऑलरेडी मौजूद है वहां पर। हम लोग चूंकि डोमेन नेम खुद नया एक बना रहे तो उसके भी रिकॉर्ड हम लोग कुछ बनाना पड़ेगा, जाहिर बात है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, एक होस्ट रिकॉर्ड बनाना है, एक एलियास रिकॉर्ड बनाना है। होस्ट रिकॉर्ड बनाने का तरीका, ये पूरे स्टेप्स हो गए अपने पास, अभी दिखा दिया मैं आपको, देख लो एक के बाद एक, क्रिएटिंग होस्ट रिकॉर्ड्स, होस्ट रिकॉर्ड्स के लिए क्या करना है, फिर वही तरीका, स्टार्ट बोलो ऑल प्रोग्राम्स, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, डीएनएस, यहां पर आएंगे, यहां पर आके जिसके अंदर होस्ट रिकॉर्ड बनाना है आपको वो उसको हाईलाइट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक आध बार क्या होता है, खोलते कि उन्हें एक्टिव नहीं होता, तो आप अंदर क्लिक करके उसको एक्टिव करके, अभी मैं जैसा करा वैसा करना पड़ता आपको, तो जब आपको ये ऑप्शन पूरे दिखते, क्या बनाना है आप लोगों को, पहले तो न्यू होस्ट रिकॉर्ड बनाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आना है, एक अलग जगह भी बनाना है इसके बाद के स्टेप में। सबसे पहले होस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे, न्यू होस्ट रिकॉर्ड। अब यहां पर आपको क्या करना है,
होस्ट का एक नाम देना है, जो आपका सिस्टम है जिसको आईपी एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, सिस्टम का डोमेन का नाम तो ये रहेगा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, उसका सिस्टम का नाम ऑल्टरनेट यानी कि आईपी एड्रेस बोले तो सिस्टम को भी एक नाम रहता, ठीक है ना, सिस्टम का ऑल्टरनेट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। सिस्टम वन लिखते थे मैं, बट ऑलरेडी मैं सिस्टम वन दे चुका, तो मैं आप ये दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो नाम दिया वो नाम से पिंग होता, समझ में आ रहा ना, तो सिस्टम वन तो ऑलरेडी नाम है उसका, अपन यहाँ पर हटके नाम दे रहे, एक ऑल्टरनेट नेम दे रहे, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या रख दे रहा हूँ मैं, सिस वन बोल के रख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा। तो जब भी मैं सिस वन डॉट जूम डॉट कॉम बोले तो रिप्लाई आना मुझे, तो ये जो सिस वन बोलकर जो नाम है ये किसको लगाना है नाम, यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस देना रहेगा 192.168.1.1। तो अब 1.1 का अब तक नाम क्या था, ये सिस्टम का अब तक का नाम क्या था, सिस्टम वन बोलते था, तो अब क्या है इसका नाम सिस्टम वन भी रहेगा और सिस वन भी रहेगा इसका नाम, समझ में आ रहा है ना। होस्ट रिकॉर्ड वही बता रहा, खाली होस्ट रिकॉर्ड में हम वही जानकारी दर्ज कर रहे, देख रहे आपको कैसा मैप कर रहा है, आईपी एड्रेस को एक नाम से मैप कर दे रहा है, मैप का समझेगा लॉजिकल कनेक्शन बना देने से मैपिंग कर रहा है, समझ में आ रहा ना, एक नाम का मतलब क्या रहेगा आईपी एड्रेस क्या रहेगा, ठीक है, सिस वन जो नाम है इसका आईपी एड्रेस ये रहेगा, ये चीज आप दर्ज कर रहे हैं होस्ट रिकॉर्ड के कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि होस्ट रिकॉर्ड बनाए जा रहा हम ये जानकारी दर्ज कर रहे, ठीक है। एड होस्ट, होस्ट रिकॉर्ड वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके डन, देखो खोल के बन गया है होस्ट रिकॉर्ड, दिख रहा होस्ट रिकॉर्ड बन गया था, दिख रहा, अब क्या करना है एलियस रिकॉर्ड करना है, एलियस रिकॉर्ड बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, सेम स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स डीएनएस, डीएनएस पे जूम डॉट कॉम पे हाईलाइट करेंगे, देख लो आप कभी भी फर्स्ट टाइम में जब तक नहीं दिखाता था, क्योंकि उसको आप बंद करने बाद स्टार्ट होने थोड़ा टाइम लगता, एक बार उसको अंदर जाकर बाहर आ जाना, फिर उसके राइट क्लिक करना, न्यू एलियस, न्यू एलियस। अब सिस वन भी कौन याद करना चाह रहे, हम आपको प्रॉब्लम है सिस वन भी हम याद नहीं रखना चाह रहे, तो सिस वन के बदले में क्या देंगे, एक एलियस दे देंगे, एलियस कुछ भी दे सकते हो पर जनरल जो यूज कर रहे हैं वो दे सकते, वो भी तो बेहतर है, तो जनरली www कॉमनली यूज होता है वर्ल्ड वाइड, तो www बोलकर दे देंगे एलियस, तो आप सिस वन की जगह पे क्या कर रहे हो www दे रहे, समझ में आ रहा। अब यहां पर देखो आप www दे दिया, पर ये www को मैप भी करना रहेगा, यानी कि इसको किसी ना किसी से जोड़ना रहेगा, ताकि www का मतलब अगर कोई डीएनएस सर्वर को पूछ रहे आकर तो डीएनएस सर्वर ढूंढ सके जैसा रहना, www का मतलब क्या है, www बोले तो इसका ऑल्टरनेटली मैं क्या चीज देना, इसका रिप्लाई में मैं क्या करूंगा, कौन से सिस्टम की तरफ इसको भेजूंगा, समझ आ रहा ना, इसकी रिक्वेस्ट कौन से सिस्टम की तरफ भेजूंगा, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे उसको ब्राउज करके सिस्टम को मैप करेंगे, सिस्टम वन के अंदर फॉरवर्ड लुकअप में सिस वन से जोड़ रहे हम लोग, दिख रहा कनेक्शन कैसा बना रहे, होस्ट रिकॉर्ड से एरियस रिकॉर्ड को जोड़ दे रहे हम लोग। तो अब इसका मतलब क्या है, जब भी www मार रहे मैं, www का मतलब उन्हें कहा देखता, होस्ट रिकॉर्ड जैसे एलियस रिकॉर्ड में खोल के देखता, एलियस रिकॉर्ड में उसको पता चलता कि ये www अगर दिखा तो सिस वन करने जाना है जो कि होस्ट रिकॉर्ड है, तो होस्ट रिकॉर्ड में जाके देखता सिस वन का मतलब क्या है, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है ये आईपी एड्रेस पे मैसेज भेज दो, इस तरीके से आपका नॉन रिजॉल्व होकर आईपी एड्रेस तक पहुंच रहा, ठीक है ओके, फिर ओके करेंगे, अब चेक करो बन जाएगा एलियस रिकॉर्ड, बन गया, यहां पर डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो गया, अब वेरिफिकेशन शुरू होता, कैसा करेंगे वेरीफाई, पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग चेक कर लिए कि www.ping.zoom.com बोले तो रिप्लाई नहीं आ रहा था, ठीक है अब देखो ping www.zoom.com आ रहा रिप्लाई, असल तो सही तरीका आपको देखने का ये है, बट सिस वन के बदले में हम एलियस रिकॉर्ड बनाए तो www भी दे सकते हैं, अगर मैं एलियस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा और जब ट्राई करूंगा डिलीट करके ये तब नहीं आएगा वो, क्योंकि www का मतलब उसको पता नहीं रहेगा, समझ में आ रहा ना, तो www का मतलब कौन बता रहा, 3W का मतलब एलियस रिकॉर्ड बता रहा, समझ में आ रहा ना, और फिर एलियस सिस वन का मतलब कौन बता रहा, www से सिस वन बोल के पता चल रहा उसको, सिस वन का मतलब कौन बता रहा,
होस्ट रिकॉर्ड बता रहा, ठीक है ना, होस्ट रिकॉर्ड फाइनली क्या दे रहा, एक आईपी एड्रेस दे रहा, आईपी एड्रेस तो सीधा सीधा कहां पर नेटवर्क में भी बता सकता हूं, ठीक है, पिंग करेंगे वाले आईपी एड्रेस तो पैकेट भेजेगा, आगे डिप्लाई कर रहा आईपी एड्रेस तो काम कर रहा, समझ में आ रहा, रिप्लाई आ रहा sysfn.com, खाली sysfn देके देखो नहीं आता sysfn, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम वन कंप्यूटर का नेम हम लोग लगाए, ठीक है ना, और ये sysfn सिर्फ डीएनएस के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, सिर्फ डीएनएस के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, उन्हें इसके पर्सनल इसके लिए काम में यूज कर रहा, दोनों को एक्टिव क्यों नहीं रखा, वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, sysfn सिस्टम वन कंप्यूटर के दो दो नाम नहीं रह सकते बोलते, समझ में आ रहा, अब यही चीज को हम लोग यहां पर पिंगिंग हो रही, एक्सपी से चेक करेंगे पिंग हो रहा है नहीं, पिंग पहले तो आईपी एड्रेस मार के चेक कर लो आप, ऑब्वियसली पिंग होना ही है आईपी एड्रेस मारे तो, क्योंकि नेटवर्किंग में मौजूद है वो लोग, हो रहा नहीं होता, हाँ पूरा सही है, नहीं होता पिंगिंग, ये पिंगिंग का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, उन्हें रिक्वेस्ट क्या कर रहा, zoom.com आप मार दिए, zoom.com का मतलब किसको भेजना है उसको पता नहीं, समझ में आ रहा ना, यहां पर क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड होस्ट www.zoom.com, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि डीएनएस सर्वर कहां पर मौजूद है, ये www.zoom.com जो नाम है ये नाम को रिजॉल्व करने वाला कौन है, यानी कि नाम का मतलब बताने वाला कौन है, डीएनएस सर्वर है, ठीक है ना, उसी तरह तो मौजूद है ये नाम क्या, आईपी एड्रेस क्या है, जो भी है जानकारी डीएनएस सर्वर में मौजूद है, आपके एक्सपी को पता है डीएनएस सर्वर कहाँ है, नहीं पता है, कैसा बोल सकते हैं नहीं पता है, देखो चेक करो एक्सपी के लैंड ड्राइव्स करें जाकर चेक करो, जहां पर आप आईपी एड्रेस लगाया एक्सपी का, कहां पर लगाते हैं आईपी एड्रेस आप, एक्सपी का आईपी एड्रेस कहां लगाते हैं आप, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शंस में, नेटवर्क कनेक्शंस में लैंड कार्ड को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके टीसीपी आईपी को क्लिक करके यहां पर आप आईपी एड्रेस लगा रहे, तो अब इसको ओपन ऑटोमेटिकली कर रहे, तो इसको तो पता नहीं है डोमेन नेम कहां पर है, ठीक है ना, और डोमेन नेम सर्वर सर्वर ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर रहा, जैसा डीएचसीपी सर्वर ब्रॉडकास्ट करता डोमेन नेम सर्वर ब्रॉडकास्ट भी नहीं करता, तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि डोमेन नेम सर्वर आपको कहां पर है, कहां से उसका जानकारी का मतलब लेके आना है, क्या है डोमेन नेम सर्वर कहां पर है, 192.168.1.1.1, ठीक है, ओके क्लोज, अब जाकर उसको पता चलता है कि डोमेन नेम कहां पर है, और जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे उन्हें डोमेन नेम सर्वर को भेजेगा, डोमेन नेम सर्वर वो आईपी एड्रेस का नाम रिजॉल्व करके आईपी एड्रेस उसको देगा, और वो आईपी एड्रेस को पैकेज भेज के रिप्लाई आ रहा है नहीं चेक करके वेट करेंगे, अगर रिप्लाई आ रहा तो कनेक्शन मौजूद है बोलकर दिखेगा उसको, अब चेक करो आ रहा रिप्लाई, आ रहा ये आ रहा, दिख रहा है ना रिप्लाई, ठीक है, क्लियर है, डोमेन नेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको, उतना ही है डोमेन नेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपका, और आईओएस सर्विस करने से पहले डोमेन नेम सर्विस आपकी सही तरीके से काम करना, तभी जाकर आप आईओएस सर्विस कर सकते हो, यानी कि वेब सर्वर तभी बना सकते हो, ठीक है, क्यों, वेब सर्वर में आप क्या करते हैं, वेबसाइट का नाम देते हैं www.jobi.com, तो वेबसाइट का नाम रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस सर्वर सही तरीके से आपके नेटवर्क में काम करना जरूरी रहता है।